नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद की आज 25वें स्थापना दिवस है, लेकिन कार्यक्रम आरजेडी दफ्तर में भी किया जा रहा है। पर हम आपको बता दें कि एक कार्यक्रम जदयू में भी किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ जो पोस्टर लगाए हुए हैं उसमें लालू के 25 विचारधाराओं का जो है इसमें वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ आप इधर देख सकते हैं कि जो जदयू के पूर्व मंत्री और MLC नीरज कुमार जी हैं, वो अभी मास्टर के रूप में यहाँ पे हैं और इनसे जानते हैं कि सर आज 25वें स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक टीचर के रूप में हैं, इसका टीचर के रूप में नहीं, हम सच का एहसास करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का गठन कोई जनता दल में बुनियादी मतभेद नहीं हुआ था। जब इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार करने लगे तो पार्टी टूट गई। तो हम यह कह रहे हैं कि चूंकि ये लोग लोहिया का समाजवाद नहीं मानते, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की नीति नहीं मानते, जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, लेकिन कहते क्या है कि लालूवाद विचारधारा है। तो लालूवाद यही है, देखिए लालूवाद है बिहार का राजनीतिक भूमाफिया परिवार, यह है। ये पहले नेता हैं बिहार के, 7वां बार जेल यात्रा से लौटे हैं, लग रहा है आज़ादी की लड़ाई अति पिछड़ा के हक के लिए। अब सवर्णों से तो इनको नाराजगी रहती है, या अथवा अल्पसंख्यक के कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जेल नहीं गए थे। और ये सृजन का मामला 2003 में कौन था सृजन घोटाले की सृजन करता, तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मैंने कागजात भी लगाए हैं। ये डॉक्टर पलायन को मजबूर थे, कह रहे थे डॉक्टर दिल्ली पहुंच रहे थे, देखिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस चित्र में उपस्थित हैं, और वो महामहिम से मिल रहे थे उस समय और कह रहे थे गवर्नर्स प्रेस्क्रिप्शन टू डॉक्टर्स गेट आर्म्ड। वो अपने आप को कह रहे थे कि हमको सुरक्षित कीजिए, हथियार दीजिए। और इससे निकृष्ट उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता लालूवाद का, कि संवैधानिक अराजकता का निकृष्ट उदाहरण तत्कालीन मुख्यमंत्री का बयान महामहिम का पैर तोड़ डालेंगे, यही है लालूवाद ना। तो मैंने 25 उनके जो विभिन्न चित्र हैं वो उपस्थित किए हैं, और 25 दिन है, 25 सवाल पूछेंगे और जवाब में हम उम्मीद करेंगे गाली गलौज का भाषा नहीं, अपमान की भाषा नहीं, तर्क की बुनियाद पर। आपको काम करने का मौका मिला, हमको भी काम करने का मौका मिला। जो विभिन्न मानक हैं, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम जो मानक हैं, उन सवालों पर आप अपना उदाहरण पेश कीजिए, हम अपना उदाहरण पेश करेंगे, जनता तय करेगी। लेकिन कुतर्क नहीं, अपमान की भाषा नहीं, गाली गलौज की भाषा नहीं, बल्कि चरवाहा विद्यालय से निकल के अब नालंदा विश्वविद्यालय की ओर आगे बढ़े। यानी कि जो वो दावे कर रहे हैं कि 3 महीने के बाद हम सरकार बनाने वाले हैं और बिहार में बदलाव लाने वाले हैं, तो क्या उनकी विचारधाराओं से? अरे भाई, तेजस्वी यादव उनके पुत्र हैं ना, जो पोथी पतरा जलाते थे। तब पोथी पतरा जो जलावेगा वो कितना जाप करेगा तो भगवान प्रसन्न होने वाले हैं। तो इनका जाप चल रहा है मकर संक्रांति के पहले से, तो जाप करते रहे, हम अपना साथ निश्चय पर काम करें, उस सत्ता की बेचैनी का निश्चय उनके जिम्मे। और आज जो आशीर्वाद यात्रा है, भोज सम्मेलन जो किया जा रहा है, नहीं देखिए माननीय रामविलास पासवान जी दलित विमर्श के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, तो उनके परिवार के लोग उन विभिन्न रूपों में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं, और सबको मनाना चाहिए, अधिकार है सबको, सबको सम्मान उनके प्रति करता है। इसलिए वो उनका आज जन्मदिवस के अवसर पर कार्यक्रम में कोई राजनीतिक यात्रा का संदर्भ इस सवाल पर टिप्पणी देना समयोचित नहीं। बिल्कुल, तो आप देख रहे थे कि जो तस्वीर है वो 25 विचारधाराओं जो लालू प्रसाद यादव के हैं उनके यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है, और जो मुख्य जो जदयू के जो कार्यक्रम जो है वो इसके संचालन कर रहे हैं नीरज कुमार, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी MLC हैं, और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के इन विचारधाराओं का जो है विस्तारपूर्वक से बताए हैं। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।